हेलो एवरीवन, आधार बैच की नेक्स्ट क्लास, जैसा कि हम देख रहे हैं हर वीक आप लोग एक एक टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं। वन शॉट क्लास से आपको बेनिफिट हो रहा है वो फील कर रहा हूं, और आप में से कई बच्चों के मैसेज और फोन भी हैं कि सर ये बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक को वन शॉट में रिवीजन भी कर लेते हैं, फिर आप टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट का सबसे अच्छी बात है लाइव एनालिसिस भी आप लोग लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होती है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे करना है, सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये आधार बैच एक्चुअल में आपका बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन डेवलप करने वाला है। आप कहीं पे मिसगाइड होने की जरूरत नहीं होगी, किस ऑर्डर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें हर वीक जिस टॉपिक का रिविजन करते हैं उसकी टेस्टिंग भी करते हैं, क्योंकि जब हम कभी भी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कई बार ये सोचते हैं कि पहले एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लें एंड देन उसके बाद फिर टेस्ट दें। नहीं, ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट का टाइम खत्म हो जाता है। तो अभी एकदम राइट ट्रैक पे हो, और कुछ बच्चे जिनको की प्रॉब्लम होती है वो रेगुलर बैच में या फिर क्लासरूम में भी शिफ्ट होते हैं, वो डिफरेंट थिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सबको बोलूंगा कि अब आधार की नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो मैट्राइसिस की है, मैं वैसे तो बताता हूं फिर भी, और उसमें क्या क्या पढ़ के रखना है आपको वो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आधार बैच की क्लासेस के लिए अगर आप पहले से पढ़ के रखेंगे तो वन शॉट क्लास का बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता होता है कुछ पोर्शन आप पढ़ लेते हैं, कहीं आपके डाउट आते हैं तो मैं हेल्प करता हूं। तो इस वीक का नेक्स्ट क्लास जो है आधार का वो मैट्राइसिस है, और संडे को टेस्ट मैट्राइसिस का। इन केस आप में से किसी का डिटर्मिनेंट का क्लास मिस हुआ है तो पहले एक वो वन शॉट क्लास देख लें, और डिटर्मिनेंट का जो संडे टेस्ट हुआ है वो भी दें, और उसका लाइव एनालिसिस ऑलरेडी ले चुका हूं वो जरूर वॉच करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आधार में जो मैट्राइसिस की क्लास है उसमें आपको पढ़ना क्या है। देखिए, सिलेबस तो मैं हर बार बताता हूं और डिटेल सिलेबस बताता हूं, पर सिलेबस के बाद हम मैट्राइसिस की बात करते हैं। शायद ये चीज आपको नहीं पता होती, पर ये मैं दे रहा हूं कि डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस, सबसे पहले एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है जो आपको पढ़ना है, ये हो सकता ना दिख रहा हो तो इसको दो पार्ट में लिया है। तो नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस। इवन अगर आपका मैट्राइसिस अच्छे से कवर है तो केवल ये जो पेज है इस पेज को अपने सामने रखिए, और रिवीजन बिना बुक खोले आप इस ऑर्डर में करिए। तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस देखना है, क्या क्या देखना है उसमें, कि क्या क्या होती है टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। रो मैट्रिक्स, अब आपको एकदम क्लिक कर जाएगा किसकी बात कर रहे हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, देन डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैट्राइसिस, वेरियस काइंड ऑफ मैट्राइसिस, जैसे ये अनइंपोर्टेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक, निलपोटेंट, इनवॉलेटरी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस बाय इटसेल्फ, ये आप लोग थोड़ा होल्ड करके पूरा ध्यान से पढ़िए, मैं तो एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। एडिशन ऑफ मैट्राइसिस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस, मैट्राइसिस में काफी सारी प्रॉपर्टी है, अगर ये आप सब पढ़ के रखेंगे तो मैं श्योर हूं कि आपकी क्लास परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये क्या होता है ना, फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, हर्मिशियन, यूनिटरी, स्क्यू हर्मिशियन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, केले हैमिल्टन थ्योरम, इनवर्स मैट्रिक्स फॉर एलिमेंट्री नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें आपको मैट्राइस में पढ़ के रखनी, यानी ये वन शॉट क्लास में, क्लास लॉन्ग भी हो सकती है, ये पूरी चीजों को हमें अच्छे से कवर करना। फिर बोलूंगा कि जो मैंने बोला वो तो अपनी जगह है ही, पर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए कि आपको मैट्राइसिस में क्या क्या आना चाहिए, एंड देन जो कमिंग संडे टेस्ट होगा उसमें मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों मिक्स पार्ट है, और इस तरह से आपका एक टॉपिक और कंप्लीट होगा। तो एवरी वीक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसा मेरा आपको कहना था कि वन शॉट रिविजन क्लास, वन टेस्ट विथ लाइव एनालिसिस, पर टेस्ट पेपर ऐप पर देना है और एनालिसिस भी ऐप पर करना है, जिससे जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनको ही एनालिसिस कर पाए वो अच्छे से। और मैं आप सबको बोलूंगा, अगर आप आधार बैच से जुड़े हैं तो माय पर्सनल सजेशन कि आप क्लास भी अटेंड करिए प्रॉपरली, प्रॉपरली टेस्टिंग भी दीजिए, और उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिक चीज है इम्पिटस की, टेस्ट पेपर का लाइव एनालिसिस, क्योंकि आपको मैं बता दूं फिर
कुछ लोग कोशिश जरूर करते हैं पर एक दो टेस्ट के बाद वो बंद कर देते हैं। टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन प्रिंटेड मिलेंगे पर लाइव एनालिसिस नहीं मिलेगा। पर लाइव एनालिसिस आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ट्रिक, ये सब चीजें बताती है। तो रेडी रहिए मैट्रिसेस की नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।